दोस्तों बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, फोटो एडिटर्स होते हैं या वीडियो एडिटर्स होते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल ही होता है कि अगर हमें अपना एक सिस्टम बनाना है तो हमें अपना पैसा एक लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप पीसी के अंदर, और दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेटर रहेगा और कहाँ पे ज़्यादा फायदे हैं या कहाँ पे ज़्यादा नुकसान। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ और जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं या जो लोग अपना सिस्टम को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं उन्हें थोड़ी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों अगर आप एक फोटोग्राफर हैं या आप एक वीडियोग्राफर हैं या अगर आप एक फोटो एडिटर हैं या आप एक वीडियो एडिटर हैं तो यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको हमेशा यूज़ करने पड़ते हैं। मसलन फोटोशॉप है, लाइट रूम है, कैप्चर वन प्रो है, फाइनल कट प्रो है या फिर एडोबी प्रीमियर प्रो है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है एल्बम डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो भी अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। थर्ड पार्टी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं आपके एडिटिंग के काम के लिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स, इसमें से काफ़ी सॉफ्टवेयर्स बहुत हैवी होते हैं जिसके लिए आपको अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन चलता है लगता है उसको स्मूथली चलने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लैपटॉप में ये सारी चीज़ें नहीं चलती या डेस्कटॉप पीसी में सारी चीज़ें नहीं चलती, दोनों में अच्छे से वर्क करती है। बट यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी। तो यहाँ पर एक बुनियादी फ़र्क जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। वैसे सबको पता होता है पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए जो डेस्कटॉप पीसी है वो एक थोड़ा भारी भरकम सेटअप होता है, आपको एक डिस्प्ले स्क्रीन रखना पड़ेगा, आपको एक सीपीयू बनवाना पड़ेगा, एक माउस पैड होगा, एक माउस होगा, इन्वर्टर चाहिए आपको। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको घर में एक अच्छी खासी जगह चाहिए होती है जहाँ आप उसे रख सकें और फिर उसे आप जो है ऑपरेट कर सकें। और जबकि अगर आप एक लैपटॉप देखेंगे तो लैपटॉप जो है वो बहुत ही एक हल्का फुल्का डिवाइस होता है, यानी कि आजकल आप देखेंगे तो 1 kg से 2.5 kg के अंदर अच्छे खासे लैपटॉप्स आपको मिल जाते हैं और उसे आप कहीं भी, यानी कि मोबिलिटी पोर्टेबिलिटी आपको दोनों मिलती है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, उसके लिए आपको भारी भरकम सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली लैपटॉप के अपने एडवांटेजेस हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि लैपटॉप ही सही सॉल्यूशन है या फिर डेस्कटॉप पीसी ही सही सॉल्यूशन है तो ये गलत है। हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ों में, यानी कि कौन से सिस्टम में आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों डेस्कटॉप पीसी की। अब जो डेस्कटॉप पीसी होता है उसके लिए आपको हमेशा एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी हमेशा चालू रहेगी, उसके बगैर जो है आप एक डेस्कटॉप पीसी को ऑपरेट नहीं कर सकते। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर लाइट बहुत जाती है, पावर कट होती है, तो यहां पर एक इन्वर्टर का खर्चा आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो ये एक थोड़ा सा नुकसान है। दूसरी तरफ अगर हम देखें लैपटॉप को तो वहां पर लैपटॉप में एक एडवांटेज ये होता है कि भाई आपने 1 या 2 घंटे अपने लैपटॉप को चार्ज किया, बस काम हो गया, उसके अलावा जो है आप 6 से 12 घंटे आप अपने लैपटॉप को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कि आपका कौन सा मॉडल है लैपटॉप का। तो आजकल 6 से 12 घंटे का आपको बैटरी का बैकअप जो है मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पर ईज़ ऑफ यूज़ की बात करें, अगर हम बैटरी पावर की बात करें तो लैपटॉप का एक थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि भाई हमको एक लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन देखना है, यानी कि अगर आप एक सीरियस फोटो एडिटर हैं, एक सीरियस फोटोग्राफर हैं या आप एक सीरियसली जो है बहुत सारे एप्लीकेशन, यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर, चाहे वो फाइनल कट प्रो है या फिर आप बात करें एडोबी प्रीमियर प्रो की या अलग अलग तरह के जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अगर वो सारे आप ऑपरेट करते हैं, बहुत ही डिटेलिंग का प्रोफेशनल लेवल का काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप हमेशा एक डेस्कटॉप पीसी में ही इन्वेस्ट करें। अब उसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपने मान लीजिए आज कोई भी एक डेस्कटॉप पीसी लिया, अब 1 साल या 1.5 साल के बाद में आपने कोई नया कैमरा अपग्रेड कर लिया, तो डेफिनेटली जो जैसे आज देख रहे हैं आजकल 4K आ गया है, 4K ऑल इंट्रा आ गया है, 4:2:10 bit आ गया है, तो डेफिनेटली उसकी साइज़ जो है फाइल्स की वो बढ़ती जाती है। तो अगर आपके पास में एक डेस्कटॉप पीसी है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस डेस्कटॉप पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने जब लिया था पीसी 8 GB की रैम थी तो अब आप 16 GB की या 32 GB की रैम आसानी से उसमें लगा सकते हैं, तो यहाँ पर अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ग्राफिक कार्ड्स अपग्रेड कर रहे हैं तो अगर आपके पास में एक डेस्कटॉप पीसी है तो बहुत आसानी से आप जो है ग्राफिक कार्ड्स अपग्रेड कर पाएंगे। वहीं पर जो लैपटॉप होता है वहाँ पर भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि लैपटॉप क्या एक छोटा सा एक डिवाइस होता है, वहाँ एक ही मदरबोर्ड होता है और उसके अंदर भी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सारा सिस्टम होता है। तो हो सकता है आप रैम अपग्रेड कर लें लेकिन ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा, और भी अलग अलग कंपोनेंट्स अगर आपको अपग्रेड कर रहे हैं
तो लैपटॉप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये जो अगर आप कर भी लेते हैं तो उसका जो खर्चा है वो कहीं ज़्यादा आता है डेस्कटॉप की तुलना में। तो डेस्कटॉप पीसी जो है ना दोस्तों, वो हमेशा फ़ायदेमंद है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और ये मैं सलाह दे रहा हूँ उन लोगों के जो बहुत सीरियसली क्वालिटी का एडिटिंग का काम करते हैं और बहुत ही माइन्यूटली जो है अपनी फोटोग्राफी को, अपनी वीडियोग्राफी को देखते हैं, समझते हैं, ताकि उनका जो काम है वो अच्छे से निकल के आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है डेस्कटॉप एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले या स्क्रीन साइज़ की। तो डेफिनेटली आपको एक डेस्कटॉप पीसी के अंदर एक बड़ा स्क्रीन साइज़ मिलता है, रिजोल्यूशन भी आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। यहाँ पर आपको 20 इंच से लेके 65 इंच तक के बड़े स्क्रीन मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डेस्कटॉप पीसी का। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है स्क्रीन साइज़ चुन सकते हैं, जबकि लैपटॉप के अंदर आपको 16 से 17 इंच के ऊपर स्क्रीन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं। और जो फोटोग्राफर्स हैं अपने काम को देखना चाहते हैं कि भाई उनका काम फ़ोटोज़ कैसे निकल के आई है, तो बड़े स्क्रीन के ऊपर वो देख पाते हैं कि उन्होंने फोटोग्राफी करते वक्त कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, या एक फ़ोटो एडिटर जब अपनी फाइल्स को ओपन करता है तो वो देख पाता है कि एक इमेज के अंदर उसे कहाँ का काम करना है, या एक वीडियो एडिटर जब अपनी वीडियो फाइल्स को ओपन करता है तो वो देख पाता है कि ओवरऑल एक बड़े स्क्रीन के ऊपर टोटलिटी के अंदर वो जो पूरी वीडियो शूट हुई है वो किस तरह से निकल के आई है, और एग्जैक्टली उसको कहाँ कहाँ एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चूंकि बड़ा स्क्रीन है तो यहाँ पे उसके एडवांटेजेस भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रीन्स हैं ये आपको 2K 4K 5K के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन उसी हिसाब से इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो अगर आपको एक हाई एंड स्क्रीन चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आपको करना पड़ेगा। कई बार ये खर्चा जो है आपके पूरे सिस्टम से कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क फ्लो कैसा है, किस तरह का आप काम करते हैं, उस हिसाब से आप अपने स्क्रीन साइज़ को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। तो एनी टाइम एक डेस्कटॉप पीसी जो है वो हमेशा बेटर होता है लैपटॉप से, क्योंकि जो डेस्कटॉप पीसी होता है वहाँ पर आप अच्छी खासी रैम आप यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड उसमें यूज़ कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पीसी अगर आपके पास में आपने अच्छे से असेंबल करवाया है तो वहाँ पर कितनी भी हैवी फाइल हो, चाहे 4K की फाइल हो आपकी, 4:10 पे आपने शूट किया हो या आपने ऑल इंट्रा पे शूट किया हो, तो आसानी से वो फाइल सारी खुल जाती हैं। या अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, आप मीडियम फॉर्मेट कैमरा यूज़ करते हैं, या आप 61 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल जैसे कैमराज यूज़ करते हैं, तो आसानी से जो है वो फाइल्स को कुछ ही सेकंड्स में ओपन कर देगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पावर अच्छी मिलती है। तो डेस्कटॉप पीसी हमेशा एक पावरफुल टूल रहता है दोस्तों कंपेयर टू लैपटॉप। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सीरियस फोटोग्राफर हैं, एक फ़ोटो एडिटर हैं, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप हमेशा एक डेस्कटॉप पीसी के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप एक फ़ोटोग्राफर हैं और आप एक वीडियोग्राफर हैं, आपका खाली जो काम है वो शूट करना है और बाकी का एडिटिंग का काम आप सारा आउटसोर्स करते हैं, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि लैपटॉप के अंदर आपको मोबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक फ़ोटोग्राफर हूँ और वीडियोज़ भी बनाता हूँ, तो मेरे लिए जो है लैपटॉप ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि मैं खुद एडिट नहीं करता हूँ दोस्तों, और छोटी मोटी एडिटिंग होती है वो मेरी इस पर हो जाती है। अगर मुझे टेदर शूटिंग करनी है तो मैं ऑन लोकेशन अपना लैपटॉप ले जाता हूँ और अपने कैमरा को सीधा कनेक्ट कर लेता हूँ, तो देख पाता हूँ मैं लाइव ही कि मेरा शॉट कैसा निकल के आ रहा है। और छोटी मोटी एडिटिंग अगर आप जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ यूट्यूब के, अगर वो मुझे एडिट करना है तो वो इस लैपटॉप पर आसानी से हो जाते हैं, उसके लिए मुझे भारी भरकम पीसी के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आपको फोटोशॉप पे छोटा मोटा काम करना है, फोटो एडिट करना है, तो वो सारा काम अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। बट अगर आप एक प्रो एडिटर हैं, आपका काम ही जो है एडिटिंग से रिलेटेड है, और आप एक हैवी फाइल्स को लेके काम करते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे प्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप वेडिंग फिल्म्स को एडिट करते हो, या आप फोटोग्राफी के ई कॉमर्स का काम करते हो, बल्क में काम आता है जहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आपको एक साथ ओपन करनी पड़ती हैं, और आपको एक ऐसा वर्क फ्लो चाहिए होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल मिले, तो वहाँ पर हमेशा दोस्तों जो पीसी जो है डेस्कटॉप पीसी वो हमेशा एक बेटर इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पीसी हो या आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन खरीद रहे हैं। अब अगर हम देखें मैकबुक के अंदर जाएं, मैकबुक प्रो में, तो वो मैकबुक प्रो भी आज के टाइम में दोस्तों 2 लाख से शुरू होकर करीब 3.5 लाख रुपये तक की आती है, डिपेंडिंग कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो लैपटॉप भी सस्ता नहीं है, लेकिन अगर आप मैकबुक की जो टोटल कीमत देखें, उसी कीमत के अंदर आप एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल एक डेस्कटॉप पीसी बना सकते हैं, जिस पे आप कहीं ज़्यादा, कहीं बेटर काम कर पाएंगे मैकबुक प्रो की कंपैरिजन में। तो ये भी एक एडवांटेज है। अब अगर कॉस्ट की बात करें, तो अगर आप एक डेस्कटॉप पीसी असेंबल करने जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका वर्कफ्लो कैसा है, उसी हिसाब से आप जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन लीजिएगा। कितने आपको GB की रैम चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको चाहिए, अगर आप गेमिंग वेमिंग भी करते हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से सारा कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। बट अगर आपका काम
सिर्फ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड है, तो आप ये देखिए कि जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं वो कम से कम उस पर बहुत ही स्मूथली जो है रन करें, उस हिसाब से आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो चुनें और उसी हिसाब से जो है आपका बजट बनेगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ जो ऐड हो जाती है दोस्तों वो है आपका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का ले रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेस्कटॉप पीसी में। अगर अच्छा डिस्प्ले होगा तो आपको आपकी जो फुटेज है उसे जज करने में देखने में वो आपको बहुत ही आसानी होगी। ट्रू कलर के साथ आप सारे अपनी चाहे वीडियोज़ हों चाहे फोटोज़ हों वो देख पाएंगे। तो डिस्प्ले भी एक मैटर करता है कितने पैसे का आएगा। तो कॉस्ट डिपेंड करती है बेसिकली कि आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर आप टोटल कंपेयर करेंगे लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप में तो 100% दोस्तों डेस्कटॉप पीसी जो है वो आपको ना केवल सस्ता पड़ेगा बल्कि उसके अंदर आपको कहीं ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे लैपटॉप से। तो यहाँ पर दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई लैपटॉप के क्या एडवांटेजेस हैं। तो लैपटॉप के बेसिकली दो तीन एडवांटेजेस हैं जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। वो है कि मोबिलिटी आपको मिलती है, पोर्टेबिलिटी मिलती है, आप उसको थोड़ी देर में बैटरी पे चार्ज करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो आपका थोड़ा कम आएगा क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता। एट द सेम टाइम अगर हम डेस्कटॉप पीसी देखें तो वहाँ पर आपको हमेशा एक अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, इजी टू अपग्रेड है, इजी टू यूज़ है, इजी टू रिपेयर है, और ओवरऑल अगर आप कॉस्ट देखें तो कॉस्ट भी जो है एक डेस्कटॉप पीसी की कम आती है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपका काम किस तरीके का है, तो आपके लिए डेस्कटॉप ठीक रहेगा या लैपटॉप। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं, और आपके लिए कौन सा सिस्टम बढ़िया रहेगा और क्यों रहेगा वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। गुड डे।